नमस्कार दोस्तों, गुजरात चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है ऐसे एनालिस्ट कहेंगे, पर सवाल यह है कि गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए क्या कांग्रेस पार्टी बीजेपी को सहयोग दे रही है या कांग्रेस पार्टी बीजेपी के अगेंस्ट जा रही है। अब अगर आप गुजरात चुनाव में देखेंगे, अभी तक राहुल गांधी ने कोई भी कैंपेनिंग गुजरात के अंदर नहीं किया। अब इसको मैं डाइसेक्ट करना चाहता हूं। मैं डाइसेक्ट इसलिए करना चाहता हूं कि अभी गुजरात के अंदर एक तरफ आम आदमी पार्टी दिख रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। अभी चुनाव की जब डेट्स घोषित की गई थी तो पहले कहा जा रहा था कि गुजरात और हिमाचल दोनों की डेट्स को घोषित किया जाएगा, पर अभी देखा गया कि सिर्फ हिमाचल की डेट को घोषित किया गया। मतलब साफ है कि गुजरात दो चरणों के अंदर होने वाला है, एक चरण में नहीं होगा जैसे हिमाचल का चुनाव हुआ था। अब गुजरात के चुनाव में बीजेपी की अगर पूरी स्ट्रैटेजी देखेंगे तो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर केंद्रित है। इस वक्त जो है एक बड़ी मीटिंग चल रही है, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, सीआर पाटिल जो गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उसके साथ में चीफ मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों से ये लोग मिलने वाले हैं और टिकटों के रिगार्डिंग जो चर्चा काफी तेज है। अब सूत्र ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पक्ष में है कि जो एमएलए जिनने परफॉर्म नहीं किया है उनको हटाया जाए, जनरली एक एमएलए को शिफ्ट किया जाए या रिसाइकल किया जाए या रीशफल किया जाए, जिससे कि जनता के सामने जो एक 20 साल के बाद से जो थकान फैक्टर आ सकता है उस फैक्टर को हटाया जाए। तो ऐसा हो सकता है कि 50 से ज्यादा एमएलए का टिकट भारतीय जनता पार्टी बदल सकती है। और अगर आप सरप्राइज मत हो जाइएगा कि क्या हर नए एमएलए को भारतीय जनता पार्टी ला सकती है। पहले एक रूल था कि एक 70 साल से ज्यादा के कार्यकर्ता को बीजेपी टिकट नहीं देगी, पर वो रूल को सीआर पाटिल ने अमेंड कर दिया जिससे कि पुराने कार्यकर्ता नाराज ना हो, उनको भी अकोमोडेट किया जा सके। तो इस वक्त सूत्र बता रहे हैं कि एटलीस्ट 50 से ज्यादा टिकट्स को बीजेपी बदल सकती है। वो बदलना क्यों चाहती है? जिससे जो लोकल कैंडिडेट लेवल की एंटी इनकम्बेंसी हो, उस एंटी इनकम्बेंसी को भारतीय जनता पार्टी एटलीस्ट कंट्रोल कर सके या उसको मिनिमाइज कर सके, क्योंकि ओवरऑल स्टेट में एक प्रो नरेंद्र मोदी सेंटिमेंट है। और जो भी एंटी इनकम्बेंसी का डर है बीजेपी को, जहां पे आम आदमी पार्टी डेंट कर सकती है, उसको ज्यादा डर सौराष्ट्र और साउथ गुजरात से है। पिछली बार कई लोगों ने बात की थी नॉर्थ गुजरात के अंदर पाटीदार आंदोलन का फर्क पड़ेगा, पर एग्जैक्टली फर्क पड़ा था सौराष्ट्र के अंदर, जहां पे पाटीदार फैक्टर और पाटीदार फैक्टर के साथ में जो खेडूत की समस्याएं थी वो दोनों कंबाइन हुई थी और वहां से कांग्रेस की इमरजेंस हुई थी। तो बीजेपी को भी इस बात का डर है कि जो भी उसको नुकसान हो सकता है वो नुकसान सौराष्ट्र से हो सकता है, इसलिए सौराष्ट्र के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी सीआर पाटिल के साथ मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाने वाले हैं। तो क्या सौराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी अपनी जो सीट्स है वो बढ़ाएगी, जिससे पिछली बार की सीट से ज्यादा बीजेपी को इस बार मिल सकती है? देखना दिलचस्प होगा। पर आप इस बात पर जरूर गौर करके रखिएगा कि 50 से ज्यादा सीट्स जो है उस पर टिकट्स या कैंडिडेट्स बदले जा सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।